जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि जून का राशिफल, जून माह का। जून में शनि बकरी होने जा रहे हैं 4 जून को, और जून माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या क्या अच्छा समय आ रहा है, और शनि का जो आपके ढैया शुरू हो चुकी है उसके निमित्त क्या है, इस वीडियो को विस्तार से देखें। हम बताएंगे उपाय के साथ कैसे आपका राज्य बनेगा, कैसे आपका मकान का योग बनेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, उससे पहले विशेष फेस्टिवल क्या होते हैं इस महीने में बता देना चाहते हैं। 4 जून से शनि बकरी होंगे और 10 तारीख निर्जला एकादशी है, सबसे बड़ा एकादशी भगवान विष्णु का होता है, और 14 तारीख को पूर्णमासी है, और 29 तारीख को अमावस्या है जो पितरों के लिए होता है। इस माह यदि वृश्चिक राशि वालों का जो हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ इस महीना आपका बढ़िया रहेगा, बशर्ते आपको खान पान से विशेष ध्यान देना है, उसके हिसाब से आपका हेल्थ खराब हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको धीमी गति से कोई भी काम करना, जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, उससे आपको नुकसान होगा। वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, सेनापति होते हैं, इनके लिए जीवन में बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता होती है। इनका मन सदा किसी न किसी नई खोज में चलता रहता है, तो हेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है। धन की बात करते हैं, धन का आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है, कुटुंब से सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, बशर्ते आप कोई अपने नए काम ना करें। भूमि भवन को अभी रोक दें, भूमि भवन आप वर्तमान में ना लें, थोड़ा सा रुक जाएं। गुरु मंगल आपके भाग में बरात चलेंगे, तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बना है, आप किसी परीक्षा में कंपटीशन में पूर्ण सफलता ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र राहु की उति षष्ठ में विराजमान है, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, आपका काम खराब हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था, और किसी चीज़ की आपके अंदर उत्तेजना बनती है जिससे आप आगे बढ़ जाते हैं, पीछे का नहीं सोचते हैं क्या होने वाला है। सूर्योदयाति योग बना हुआ है, टीम के आप लीडर हो सकते हैं, टीम को आप कोऑर्डिनेट करके अपना काम कर सकते हो, उससे आपको सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति का धन बहुत कमाएंगे, खर्च ज़्यादा होगा, धन का जो आगमन होगा उसी गति से आपका खर्च हो जाता है। धन किसी को इस माह कर्जा ना दें, पैसा आपका फंसने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी घोड़ा भूमि इस वक्त अभी इस माह ना लें, रोक दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उतना बेनिफिट मिलने के संकेत मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ढैया आपकी प्रारंभ हो चुकी है, ढैया में आपको कमर घुटने आधा सिर दर्द होगा, और रुक रुक के आपके सारे काम होंगे, लेट स्टार्टिंग आप अच्छी करेंगे, लास्ट में आपके वो काम खराब हो जाएंगे, फिर आप उदास हो जाओगे, एकांत में बैठ के सोचोगे, रोओगे या किसी को गलत बोल दोगे, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से चलना है। बड़े बड़े काम की यदि बात करते हैं, पीछे से आपका काम होते होते नहीं हो पा रहा है या होने की संभावना बन रही है, वो आपका हो जाएगा, लेकिन नया कोई आपको काम कदम नहीं बढ़ाना है, पिछले जो चीज़ें चल रही हैं वो आगे होने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरा, आप यदि व्यापार के हिसाब से देखें या नौकरी के हिसाब से प्रमोशन नहीं हो पाता है, आपके कोई दिक्कत चल रही है राशि के हिसाब से और कुंडली के हिसाब से, तो आप एक इटालियन देश का मूंगा पहनेंगे, पूजा प्रतिष्ठा करके मंगल की होरा में मूंगा पहनने से आपका पेट की दिक्कत खत्म हो जाएगी, आपकी नौकरी में प्रमोशन और आपके व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और आपकी वाणी में मिठास हो सकती है मूंगा पहनने से। आपको जो पूजा करनी है हनुमान जी की करनी है और भगवान शिव की करनी है, इनकी पूजा करने से आपको पूर्ण आशीर्वाद मिलेंगे। जो मित्र राशि आपकी रहेगी जिससे आप प्यार प्रेम करेंगे, जो उससे आपको पटेगी, वो आपका मीन राशि, धनु राशि और मेष राशि वालों से आपका ज़्यादा अच्छा टाइप रहेगा या मेल जोल रहेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेम प्रसंग की बात करते हैं, किसी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उसके हिसाब से आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, बस जल्दीबाजी से कोई आप काम ना करें। यदि आप बकरी की बात करते हैं तो शनि जब जन्म की राशि में या जन्म कुंडली में आपका बकरी होता है, और बकरी मतलब होता है जल्दी चलना, उल्टा फल जाना, मतलब जल्दी करके सीधा चीज़ मतलब प्रॉपर तरीके से आपको उसका लाभ मिलना, मार्गी मतलब स्लो होता है, कछुआ की चाल चलना, तो इस हिसाब से शनि यदि आपका बकरी है जन्म के समय, शनि भी आपकी बहुत बड़ी कृपा करेंगे और बहुत बड़ा आपका सपोर्ट करेंगे। हनुमान जी की पूजा और शनि की पूजा आपको हर शनिवार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनि की आपकी ढैया चल रही है, इसलिए शनिदेव के मंदिर जाएं, तिल का तेल लें, तेल चढ़ाएं, ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिश्चराय नमः इसका मंत्र जाप करके तेल चढ़ा दें, पीपल के नीचे सूर्यास्त के बाद एक दीपक जलाएं तेल का, उससे आपकी शनि कृपा बनी रहेगी, और हर दिन हनुमान चालीसा का आप अपने मुख से पाठ करेंगे, उससे हनुमान जी कृपा बनी रहेगी। दूसरा, कोई आप नया व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो पहले अपनी पत्रिका को या राशि का
विश्लेषण करवाएं, तभी आप उस मुकाम तक पहुंचकर पूर्ण सफलता पा सकते हैं। बशर्ते क्या, जल्दीबाजी में जो कोई आप काम करते हो खराब हो जाएगा, तो पहले कुंडली का दिखवाएं तब आगे बढ़ें। और कई चीज़ें हैं जो आप पिछले महीनों सोच रहे थे वो आपको नहीं हो पा रहा था, तो वो आपको नुकसान करेगा। आप जो भी काम करें बड़े प्यार से करें, सावधानी से करें, और जो भी आपका प्रश्न है हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। अपना ध्यान रखें। जय माता दी।